हेलो। कार्तिक, कैन यू हेयर मी? ओके। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। कार्तिक, एक चीज बताओ मेरे को, कल जब स्लाइड में दिखा रहा था तो स्लाइड बदल रहे थे कि एक ही स्लाइड दिख रहा नहीं सर, साइड स्लाइड बदल, एक ही स्लाइड था? थी आवाज सर नहीं आ अभी रही तक, है? एक ही स्लाइड थी सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड इवनिंग राजवीर। तो अगर एक ही स्लाइड थी तो तुमको दिखानी, वो बताना चाहिए था ना मेरे को कि स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हेलो कार्तिक, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सर राजवीर, आपके में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक करो अपना। अभी देखना स्लाइड चेंज होती है कि नहीं थी। कार्तिक, अभी चेंज हो रही है? सर आई कांट हियर यू।
अभी लिख के बताओ चेंज होती है स्लाइड के नहीं होती है। किस स्लाइड चेंज हो रहा है? हेलो सचिन, अभी चेंज हो रही है? नहीं कॉल हो, ठीक बोल रहे हो आप, वो नहीं चेंज हो रही, तो स्लाइड चेंज हो रहा है। ओके, किसको? ओके ओके, हेलो कार्तिक, सुनाई दे रहा है आपको? यस सर, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? नाउ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजवीर आपकी? सर यस सर। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। राजवीर आप मुझे सुन पा रहे हो? मुझे लिख के ये बताएं कि जब मैं स्लाइड दिखाता हूं तो शिफ्ट हो रही है कि मैं एक दूसरी स्लाइड आती है कि एक ही स्लाइड दिखाई देती है? ओके ठीक है, थैंक यू। ओके अभी हम आज शुरू करते हैं। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट विद ए क्लास एंड द टॉपिक इज Why the SSB interview is India's toughest interview? और क्लास के बीच में अगर स्लाइड मूव नहीं करती है तो आप मुझे बताएंगे कि स्लाइड मूव नहीं कर रही है, राइट? ओके, आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा कि जो SSB इंटरव्यू है वो इट इज द टफेस्ट इंटरव्यू इन द कंट्री। Why it is tough? क्योंकि पहली चीज तो ये 5-6 दिन चलता है और तकरीबन 3 लाख लोग कैंडिडेट अपियर होते हैं रिटन एग्जाम में, से सिर्फ 8,000 स्टूडेंट रिटन एग्जाम को क्लियर करते हैं और उन 8,000 में से तकरीबन 450 कैंडिडेट इंटरव्यू को सिलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब है 0.15% सिलेक्शन रेट है। अगर हम सिर्फ एसएसबी की बात करें तो 5.6% कैंडिडेट सिर्फ पास होते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई एसएसबी इज कॉल्ड द टफेस्ट इंटरव्यू। अभी हम इसको बारी बारी से देखेंगे क्या वजह है, क्यों टफ है, क्यों ज्यादा कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो जाते हैं।
why the SSB interview is India's toughest interview. Now, उसके basically चार reason हैं. सबसे पहले, instead of best fit, they want right fit. ये कल भी मैंने आपको बताया था कि best fit और right fit में आपको जरूरी समझना है. Now, the best fit कि जितने कैंडिडेट हैं उनमें से जो बेस्ट है उनको सेलेक्ट किया जाए. ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से सिलेक्शन होता है. 200-400 कैंडिडेट हैं, 10 वैकेंसी हैं, तो जो 400 कैंडिडेट में सबसे बेस्ट 10 हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है. लेकिन एसएसबी में ये चीज फॉलो नहीं की जाती. इन एसएसबी दे फॉलो द राइट फिट. राइट फिट का मतलब है जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक कैंडिडेट में होनी चाहिए और वो उनको ठीक टाइम पर प्रोजेक्ट करता है तो वो राइट फिट है. अगर कैंडिडेट राइट फिट हैं तो वो जितने कैंडिडेट राइट फिट हैं सबको सेलेक्ट कर लेंगे. लेकिन अगर एक भी उनमें से राइट फिट नहीं है तो वो एक को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे. एंड दिस इज द मेन रीजन के चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, टोटल मिला के आज के दिन तकरीबन 9000 कुछ ऑफिसर्स की कमी है इंडियन आर्मी डिफेंस सर्विसेज में, जिसमें सबसे ज्यादा कमी है वो आर्मी में है, उसके बाद नेवी में है और सबसे कम कमी जो है वो एयरफोर्स में है. तो ये कमी इसीलिए है, ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कैंडिडेट्स की कमी है. कैंडिडेट्स बहुत हैं, लेकिन कमी इस चीज की है कि वो राइट फिट नहीं है. और आपको ये जो क्लासेस आपकी हो रही है, जो बैच आपका है, इसमें आपको राइट फिट बनाया जाएगा. हो सकता आप ऑलरेडी बेस्ट फिट हो, लेकिन इन क्लासेस के दौरान आपको राइट फिट बनाया जाएगा. आपको जो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो होनी चाहिए वो आपकी जो है जागरूक की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इनको प्रोजेक्ट करना है. तो अगर आप ये सब चीजें प्रोजेक्ट करेंगे तो आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे. लेकिन 99% कैंडिडेट जो हैं वो उनको यही नहीं पता होता कि राइट फिट बनना कैसे. सारे के सारे बेस्ट फिट बनना चाहते हैं तो राइट फिट नहीं बन पाते. नंबर दूसरा, ये भी बहुत जरूरी है समझना, 3-pronged सिलेक्शन स्टाइल. इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको, जैसे मैंने कल भी बताया था, आपका जो सिलेक्शन है वो 3 लोगों के ऊपर निर्भर है. इट डिपेंड्स ऑन 3 असेसर्स. 1 इज साइकोलॉजिस्ट, नंबर 2 इज GTO, एंड नंबर 3 इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर. नाउ द साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके दिमाग को चेक करता है. वो दिमाग से देखता है कि आपके अंदर वही क्वालिटीज हैं कि नहीं है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपके साथ 1-to-1 बात करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उन क्वेश्चंस का वर्बली जवाब देते हैं, तो वो उस चीज को आपके जवाबों से वो अंदाजा लगाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है. और तीसरा है GTO, जिसमें जो सोशल एस्पेक्ट्स जो आपके हैं वो आपको पता लगेंगे जब हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्कस करेंगे. जो सोशल एडजस्टमेंट हैं, जिसके अंदर कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, एक्सप्रेशन है, वो सब चीजें वो चेक करता है कि आप ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करते हैं. तो ये तीनों जब मिलके आपका असेसमेंट होता है तो वो जो है, जो साइकोलॉजिस्ट ने आपको असेस किया है, जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट ने असेस की है, वही पर्सनैलिटी आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होनी चाहिए और वही क्वालिटी आपकी GTO के पास होनी चाहिए. आप तीनों लोगों के सामने एक पर्सनैलिटी आनी चाहिए. होता क्या है, लोग जो है अगर बनावटी काम करते हैं, बनावटी आंसर देते हैं, फेक आंसर देते हैं, तो उससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो साइकोलॉजिस्ट के सामने कुछ और होती है, GTO के सामने कुछ और होती है, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने कुछ और होती है. तो ये सब चीजें प्रॉब्लम होती है जब आप अलग अलग
लोगों के सामने अलग किस्म की पर्सनालिटी पेश करते हैं। तो थ्री प्रॉन्ड सिलेक्शन स्टाइल है जिसमें आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका जीटीओ और आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको चेक करते हैं। और ये कार्रवाई जैसे कल मैंने आपको बताया था, ये 3-4 दिन कार्रवाई चलती है। नेक्स्ट आता है चेक क्या होता है, ये तो बता दिया कि कौन कौन चेक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये इसमें चेक क्या क्या होता है। फर्स्ट इज मनसा, मन दिमाग, आपका दिमाग क्या सोचता है वो देखता है आपका साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है कर्मा, आप कैसे काम करते हैं ग्रुप टास्क में, आप कैसे ग्रुप टास्क करते हैं, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप प्लानिंग करते हैं, कैसे आप लेक्चर देते हैं, कैसे ग्रुप के बीच में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कैसे आप ऑब्स्टिकल्स को पार करते हैं और कैसे आप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में हिस्सा लेते हैं। क्या आप सिर्फ एक टोटल के कैंडिडेट हैं या आप एक अच्छी टीम मेंबर हैं, क्या आप मिलके सबके साथ चलते हैं या आप अपने स्टाइल से चलते हैं। और तीसरा है वचन, वचनामिहिर, जो आपके साथ इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन पूछेगा और उसका जो है आप जवाब देंगे। तो ये 3 चीजों से आपका असेसमेंट होता है और ये सिर्फ आर्म फोर्सेस में होता है, बाकी जगह कहीं नहीं होता। बाकी जगह आप जाते हो नौकरी के लिए, वहां पे 1 या 2 या 3 लोग बैठे होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब देते हैं और वहीं आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। लेकिन आर्म फोर्सेस में ये जरूरी है कि राइट फिट कैंडिडेट ही जाए, क्योंकि अगर एक भी कैंडिडेट गलत चला गया तो वो अपने ही नहीं बाकी लोगों की भी परेशानियां खड़ी कर सकता है और देश की सिक्योरिटी के लिए वो खतरा हो सकता है। तो इसलिए आर्म फोर्सेस में ये मंजूर है कि कैंडिडेट चाहे बेशक कम आ जाए, अवसरों की कमी हो जाए, लेकिन कोई भी गलत कैंडिडेट सेलेक्ट ना हो जाए। तो दैट्स व्हाई ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें आपकी चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी ऑफ रिजल्ट। इसका मतलब है अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको ये नहीं पता लगता कि मैं किस वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ। रिटन एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आंसर शीट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ये आंसर, ये यहाँ पे आपने गलती करी है। और किसी एग्जाम में जाओगे तो हो सकता है वहां पे आपको पता लग जाए। SSB में रिजेक्ट होने के बाद आपको कोई ये नहीं बताता है कि आप किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। क्या आप साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट किया है, क्या आपको GTO ने रिजेक्ट किया है, क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने किया है, क्या तीनों ने किया है, क्या दो ने किया है, आपको नहीं पता होता। एज ए रिजल्ट जब दोबारा आप जाते हैं तब भी आपको नहीं पता होता कि मेरे को किस चीज में इंप्रूवमेंट करनी है। सिर्फ आप अपने बारे में सोच सकते हो कि मैं कहां पे गड़बड़ हो सकती है। वो ठीक भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। तो इसलिए आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, मतलब अपना ही सोचना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। आपको कोई बताता नहीं है कमी, ना आपको साइकोलॉजिस्ट बताएगा, ना आपको GTO बताएगा, ना आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर बताएगा, अगर आप पूछेंगे तो भी नहीं बताएंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है पता करना कि मेरे अंदर कमी क्या है, जिसकी वजह से बार बार कैंडिडेट SSB के लिए जाते हैं और बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाते। तो इसलिए जब भी आप SSB के लिए जाते हैं आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको पेश करें, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के लिए हो, चाहे वो GTO के लिए हो, चाहे वो इंटरव्यू ऑफिसर के लिए। और इसमें सबसे जो चीज अगर आप करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे कि जो सच है, कल भी मैंने आपको बताया था, जो भी आंसर आपसे पूछा जाता है उस आंसर का आपने सच्ची सच्ची जवाब देना है। अगर आप उसको बना के आंसर देंगे तो आप जो है इतने क्वेश्चंस को बना नहीं पाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी से पता लग जाएगा कि आप जो है फेक कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो 4 कारण हैं, ये हैं SSB को टफ बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं। लेकिन अगर हम इन 4 चीजों पे ध्यान देंगे
तो जो टफेस्ट लिखा है ये हट जाएगा, इट विल बिकम इजी और एसएसबी इजी इंटरव्यू। अगर आपको नहीं पता लगेगा तो आपको अगले 30 दिन में बताया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टफेस्ट इंटरव्यू आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको इजी कैसे बनाया जाए। यहां तक किसी को डाउट कोई? नो सर। एनी डाउट? कार्तिक कोई डाउट? नो सर। राजवीर? नो सर। इशारे से बता दो। पायल एनी डाउट? नो सर, नो सर, आई नो डाउट। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। आपको राइट फिट बनना है नंबर वन। नंबर टू आपको ध्यान में रखना है कि तीन लोग आपको असेस करेंगे। नंबर तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि जब चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, और चाहे वो जो है जीटीओ के टास्क हो, उसमें आपको एक जैसी पर्सनैलिटी रखनी है। और नंबर चौथा है सीक्रेसी ऑफ रिजल्ट, कि रिजल्ट जो है वो आपको बताया नहीं जाएगा कि किस वजह से आप सेलेक्ट हुए हैं या किस वजह से आप रिजेक्ट हुए हैं। तो ये हमेशा अपना दिमाग खोल के रखना है। ओके, इफ देर आर नो डाउट्स देन वी मूव फर्दर। सर, रीजनिंग प्रैक्टिस कहां से करें हम लोग? Reasons why candidate fail in SSB. ये स्लाइड लिख रहा है आपको जो लिखा है why reasons candidate fail in SSB? राजवीर, yes, इशारे से बताओ। सर दिख रहा है, दिख। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हेलो सर, हेलो सर। नाउ सबसे पहले लैक ऑफ प्रिपरेशन। मैंने ये देखा है कि बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम हो, चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम हो, चाहे आपका रिटन टेस्ट है, एनडीए का है, सीडीएस का है, एफ कैट का है, किसी का भी एग्जाम है, आप हमेशा तैयारी करते हैं। आप 6 महीने एक साल पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, किताब खरीदनी शुरू कर देते हैं, यू बाय नोट्स, यू कंसल्ट पीपल, ट्यूशन कर लेते हैं मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। लेकिन जब एसएसबी की बात आती है तो लोग जो है एसएसबी के लिए प्रिपेयर नहीं होते। और ये मेन रीजन है कि ज्यादातर कैंडिडेट जो है एसएसबी में फेल हो जाते हैं, बिकॉज इन केस यू डोंट प्रिपेयर, प्रिपेयर नॉट प्रिपेयरिंग इज ए गारंटी फॉर फेलियर। If you don't prepare, you will fail. यही वजह है कि ज्यादातर कैंडिडेट जो है फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी तैयारी नहीं करते। और क्या क्या तैयारी करनी है वो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पहले दिन से ही वो सब तैयारी करनी शुरू करो। प्रिपरेशन करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप क्लास में एग्जाम के लिए जाते हैं और अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप हमेशा डर डर के एग्जाम के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने तैयारी करी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और जो कैंडिडेट स्टूडेंट्स ने अभी ये कोर्स लिया है वो देखेंगे कि जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो उनको कितना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी करी। नंबर टू रीजन क्या है फेल होने का? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि तैयारी नहीं की, नॉलेज नहीं बढ़ाई, इंग्लिश इंप्रूव नहीं करी, करंट अफेयर्स नहीं जाने, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और वो जब उनसे कोई चीज पूछी जाती है, चाहे वो लेक्चरेट हो, ग्रुप डिस्कशन हो, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज हो या इंटरव्यू हो, वो बोलते नहीं है, बाकी कैंडिडेट बोलते रहते हैं और वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है,
उनको ये डर लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या मैं गलत बोलूंगा, तो इससे बेहतर है मैं ना ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। पर ना बोलने के कोई मार्क्स नहीं है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, और प्रिपेयर करने से आपका यह फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस। नंबर तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है, और वो ज्यादातर लोगों की वो प्रॉब्लम है, नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। लोग सुनते नहीं है, सुनना नहीं चाहते। कई कैंडिडेट बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, और खास तौर पर एसएसबी के लिए। इसलिए भगवान ने हमको एक मुंह दिया है, दो कान दिए हैं, तो जितना हम बोले उससे ज्यादा हमको सुनना है। अभी एसएसबी के लिए सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट हो, चाहे वो जीटीओ के 9 के 9 टास्क हो, और चाहे इंटरव्यू हो, आपको या तो कोई इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है कि आपने ये काम कैसे करना है। तो अगर आपको यही नहीं पता, आप सुनेंगे नहीं कि उसको कैसे करना है, तो आप करेंगे कैसे? ज्यादातर कैंडिडेट्स को मैंने देखा है वो सुनने पे ध्यान नहीं देते। और मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि अगर आपका ध्यान सुनने में है और आपको कोई टास्क की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है, तो आप देखेंगे कि आपको साथ के साथ उनका जवाब भी मिलता जाएगा। अपने आप आपको उनके इंस्ट्रक्शन से ही पता लग जाएगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट है। हर चीज को टाइम में करना, वो टाइम इतना होता है कि वो टाइम आपके हिसाब से बहुत कम होगा। आपको हर चीज बड़ी जल्दी जल्दी से करनी है। अगर आंसर भी लिखना है तो बड़ी जल्दी से लिखना है। जो जवाब पहली दफे आपके दिमाग में आएगा वो ही लिखना है। अगर आपने सोचने की कोशिश की तो आपका टाइम निकल जाएगा, आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे या पूरी असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर जब पूरी नहीं करेंगे तो आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, हैंडराइटिंग खराब होगी, पूरा नहीं लिखेंगे, जिससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो चाहे वो जीटीओ आपको कुछ बता रहा है, चाहे साइकोलॉजिस्ट बता रहा है, चाहे इंटरव्यू ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पहले से ही क्वेश्चन का आंसर सोचना मत शुरू करो। क्योंकि अगर आप सोचना शुरू कर दोगे अपने दिमाग में कुछ और चीज, तो आप सुन नहीं पाओगे वो क्या कह रहा। पहले सुनो, सुनने के बाद फिर उसका जवाब देना है। तो लिस्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको जैसे जैसे हम आगे एसएसबी के टेस्ट्स को डिस्कस करूंगा, मैं बार बार यही रिपीट करूंगा कि आपको सुनना बहुत जरूरी है, लिसन प्रॉपरली। अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप मेरी क्लास सुन रहे हो, यू मस्ट लिसन इट प्रॉपरली। मैंने स्लाइड इसलिए बनाए हैं कि अगर आप कोई चीज नोट कर सके तो उसको नोट भी कर लें, और इनको बार बार पढ़ें और बार बार देखें कि मैं कैसे कैंडिडेट फेल होते, मैं क्या करूं जिससे मैं फेल ना हूं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की कमी होना। नौ, ईमानदारी का इसमें कोई लेन देन पैसों से नहीं है। ईमानदारी का लेन देन इसका जवाब देने से है, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो, या चाहे वो इंटरव्यू आपके जीटीओ टास्क के दौरान हो। आपको जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपको उसको ईमानदारी से जवाब देना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आदमी सच बोलता है तो उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है कि मैंने क्या बोला था। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने उसमें साइकोलॉजी टेस्ट में क्या लिखा था। अब जीटीओ, अब ये इंटरव्यू ऑफिसर मेरे से पूछ रहा है तो मुझे क्या बोलना चाहिए। तो झूठ बोलने में प्रॉब्लम ये है कि हमको याद रखना पड़ता है, सारी चीजें हम याद नहीं रख पाते। तो इसलिए जो कैंडिडेट ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदारी से काम नहीं करते, वो रिजेक्ट हो जाते, फेल हो जाते। उसी तरीके से जब आप जीटीओ के टास्क करेंगे तो आपको कुछ रूल बताए जाएंगे कि आपने
जहां पे लाल रंग से कुछ पेंट किया हुआ है वहां पे पैर नहीं रखना, आपने शॉर्टकट नहीं लेना, आपने जो है इस नीचे दो अगर रस्सी उठानी है तो उसको कैसे उठानी है, और अगर आप जानबूझ के हेरा फेरी करके शॉर्टकट मार के ताकि जल्दी से मैं काम खत्म कर लूं, अगर आप कोशिश करेंगे और आपको ये लगेगा कि जीटीओ मेरी तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि आप अगर छोटी सी गलती करते हैं और छिपाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको पकड़ लेंगे, और जब आपको पकड़ लेंगे या तो आपको बताएंगे, अगर नहीं भी बताएंगे तो आप ये सोचना कि आपका सिलेक्शन खत्म हो गया, अब आप रिजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लिखने में भी, बोलने में भी और काम करने में। नेक्स्ट आता है बीइंग ओवर फ्रेंडली विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अब ये लोगों को गलतफहमी होती है कई कैंडिडेट। अभी जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है जब आपका इंटरव्यू लेता है तो आपको हंस के बात करेगा, आपको रिलैक्स करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप नर्वस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो आप हर जवाब का आप सोच सोच के जवाब देंगे। वो आपको टोटली रिलैक्स करना चाहते हैं ताकि आप अपने दिल से जवाब को दें, तो वो उसको आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए आपसे हंसेंगे, आपसे मजाक करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत अच्छा आदमी है तो इसके साथ मैं अपना खुल के बोलता हूं। और जब आप खुल के बोलते हैं तो कई चीजें आप वो भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, आप अपने दायरे से बाहर निकल जाएंगे, जो आपकी एक लक्ष्मण रेखा है आपने लक्ष्मण रेखा में रहना है। उनको इसीलिए ट्रेन किया जाता है ताकि वो आपको ये दिखाएं कि वो आपके दोस्त हैं, और जब आदमी दोस्त के साथ होता है तो कोई चुप चीज छुपाता नहीं है, और जब कोई चीज छुपाता नहीं है तो दूसरे को पता लग जाता है कि क्या इसकी पर्सनैलिटी है, क्या इसके अंदर कमी है, क्या इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो कई जगह अपनी गलतियां भी बता देता है जो कि नहीं बतानी चाहिए या उनको सही तरीके से बताना चाहिए। तो ओवर फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है किसी के साथ भी। साइकोलॉजिस्ट तो आपको दिखेगा नहीं, वो तो सिर्फ फाइनल डे दिखेगा कॉन्फ्रेंस के टाइम में। जीटीओ जरूर आपके साथ दो दिन रहेगा, जीटीओ फालतू बात नहीं करता है, वो अपना नॉर्मल काम करते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपसे ऐसे लगेगा कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक बताता रहूंगा, अपने बारे में पता ना होना। और ये बड़े दुख की बात है कि लोग पड़ोस के बारे में जानते हैं, दोस्तों के बारे में जानते हैं, और बाकी जो दोस्त भी नहीं है उनके बारे में भी जानते हैं, लेकिन जब अपना आता है तो अपने बारे में नहीं जानते। और क्योंकि अपने बारे में नहीं मालूम है तो वो अपनी जो क्वालिटीज है, और मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती है, बहुत कम खराब क्वालिटीज होती है, लेकिन इंसान खराब क्वालिटीज को एकदम बता देता है कि मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन उससे ये पूछो कि तेरे अंदर अच्छाई क्या है तो वो अच्छाई नहीं बता पाता। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई द कैंडिडेट दे डोंट डू वेल, दे आर नॉट एबल टू bring out their strength, they are not able to bring out their officer like qualities which they must bring out. So apne bare mein janna bahut zaruri hai, aapki kya aapke andar achhaiyan hain, kya aapke andar buraiyan hain, agar burai hai to us burai ko aap kaise dur karne ki koshish kar rahe hain, kya aapke family members kya kya karte hain, उनकी क्या क्वालिटीज है, उनमें क्या अच्छाई या बुराई है, वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको अपने और अपने आसपास के जो आपके क्लोज रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड है उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो साइकोलॉजिस्ट का, चाहे वो PI की फॉर्म में भरना हो, और चाहे इंटरव्यू के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर या आपके दोस्तों के ऊपर पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में आपका जानना जरूरी है। और जो कि ज्यादातर कैंडिडेट्स वहां पे मार खा जाते हैं वो अपने बारे में नहीं बता पाते,
जैसे कल मैंने आपको कहा था मैं आपसे इंट्रोडक्शन लूंगा, अभी अगर आपकी आवाज आएगी तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन लूंगा, आज नहीं तो कल। आई वॉन्ट यू टू गिव मी इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, टेलिंग एवरीथिंग वॉट यू वॉन्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है नो नॉलेज अबाउट सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसके बारे में नॉलेज ना होगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका पता होना चाहिए, जिस शहर में रहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो शहर है उसकी कितनी आबादी है, उस शहर की क्या अच्छाइयां हैं, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन होम मिनिस्टर है, बाकी वहां पे क्या क्या पोर्टफोलियो है, किसके पास है, आपकी स्टेट की क्या क्या अच्छाइयां हैं, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अपनी कंट्री के बारे में और उसके बाद वर्ल्ड के बारे में। तो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है डलनेस, नॉन एंथुजियास्टिक एटीट्यूड। अभी इससे आगे बढ़ने से पहले लेट मी चेक अप इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सो फार? जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, नंबर वन बताया लैक ऑफ प्रिपरेशन, आप तैयारी नहीं करना, नंबर दूसरा कॉन्फिडेंस ना होना, नंबर तीसरा ठीक तरीके से सुनना नहीं, चौथा जो है ईमानदारी से काम नहीं करना, पांचवा जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ ओवर फ्रेंडली होना, छठा जो है अपने बारे में नॉलेज ना होना, सातवां ये है कि आसपास की जो चीजें हैं उनके बारे में नॉलेज ना। एनी क्वेश्चंस हो? कार्तिक आप जरा बोलो, मेरे को सुनाई देता कि नहीं? हेलो सर। हेलो, हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है। ओके राजवीर आप बोलो। हेलो राजवीर। यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर। आपकी आवाज भी मेरे को आ रही है। यस सर, ईयरफोन अभी निकाल दें तो ईयरफोन को जिस नहीं जा रहा था अभी। अच्छा ओके ओके। पायल कैन यू हियर मी? पायल हेलो। हेलो ओके एनीवे सो व्हाट वी विल डू इज हम ये पूरा करने के बाद फिर पहले कार्तिक इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद राजवीर इंट्रोडक्शन देगा, और उसके बाद अगर पायल पायल की आवाज सुनाई देती तो पायल अपनी इंट्रोडक्शन देगा। लेकिन अभी से इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना मत शुरू करना, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पायल आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके आप प्रॉब्लम को फिक्स करें, उसके बाद आपकी भी इंट्रोडक्शन होगी। अभी स्लाइड्स मूव कर रहे हैं ठीक? कार्तिक यस सर वर्किंग परफेक्टली। स्लाइड मूव कर रहे हैं कि वो एक ही स्लाइड दिखाई दे रहा है? सर स्लाइड मूव कर रहे हैं, परफेक्टली वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा ओके गुड गुड ओके। ओके वी कम बैक। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कैंडिडेट फेल होते हैं? डलनेस, स्पेलिंग गलत है, DILNESS होना चाहिए। डलनेस का मतलब है ढीलापन, नॉन एंथुसियास्टिक एटीट्यूड। दैट मींस जो एक जोश, एक आदमी के अंदर जुनून, एक एनर्जी जो होनी चाहिए वो कैंडिडेट्स में नहीं है। एंड दैट इज द मेन रीजन जब कैंडिडेट
जीटीओ के सामने जाता है या इंटरव्यू ऑफिसर के सामने जाता है और मुंह लटका के बैठता है या उसका लगता है कि एनर्जी लेवल उसकी बहुत डाउन है, तो वो पहले ही इंप्रेशन उसका खराब हो जाता है। एक फौज में जब आप जा रहे हैं आर्म फोर्सेस में, तो जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका जोश है, क्योंकि अगर आपके अंदर जोश, ऑफिसर के अंदर जोश नहीं है, तो वह जवानों में जोश कैसे भरेगा? और अगर जवानों में जोश नहीं भरेगा ऑफिसर, तो फिर कारगिल की लड़ाई जिसमें जो है पाकिस्तानी आके वहां बैठ गए, इतनी मुश्किल लड़ाई कैसे ऑफिसर जीत पाते, कैसे जवान जीत पाते? क्योंकि अंदर उनके अंदर एक जोश है, वो जज्बा है, और वो जज्बा जब कैंडिडेट के अंदर नहीं होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको कहानी बताता हूं, एक ध्यान से सुनना। आज से 51 साल पहले लड़ाई हुई थी 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की। उस टाइम मैं कॉलेज में था, आप तो पता नहीं कहां थे। एक ऑफिसर था जिसका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सेकंड लेफ्टिनेंट 21 साल की भी उम्र नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में गया, लड़ाई में जाके लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के 7 टैंकों को बर्बाद किया। जब 7 टैंक बर्बाद कर दिए, उसके बाद एक टैंक का गोला, पाकिस्तानी टैंक का गोला उसके टैंक में आगे लगा, जिससे टैंक में आग लग गई। पीछे से जो उसका स्क्वाड्रन कमांडर था, उसने देखा कि अरुण खेत्रपाल के टैंक में आग लगी हुई है। उसने वायरलेस सेट से, रेडियो सेट से मैसेज दिया कि तुम्हारे टैंक में आग लग गई है, तुम टैंक छोड़ के वापिस आ जाओ। तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि सर मेरे टैंक में जरूर आग लग गई है, लेकिन मेरी गन अभी भी काम कर रही है, एंड आई विल डिस्ट्रॉय दिस बास्टर्ड्स। ये वर्ड थे उसके लास्ट। उसके बाद उसने एक टैंक और बर्बाद किया, इतने में एक टैंक का गोला और आके लगा और पूरा टैंक में आग लग गई और वो मर गया लड़ाई में। 21 साल की उम्र भी नहीं थी, लेकिन उसको जो है सबसे बड़ा जो अवार्ड है इंडिया में, परमवीर चक्र, वो मिला। तो वो जोश, वो जुनून, वो रुतबा होना चाहिए। SSB में जब जाते हो तो आपके अंदर वो छलकना चाहिए। बाकी चीजें जो है कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं अगर आदमी के अंदर जोश। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर, चाहे वो मेरी क्लास अटेंड करो या कहीं पे भी जाओ, वो जोश आना चाहिए आपके अंदर। लड़ाई की बात करके आपका खून खोल जाना चाहिए। नेक्स्ट है बुलिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होनी, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आप ये सोचते हो कि जी मैं तो फन्ने का हूं, मेरे को तो सब आता है, वो भी आपको रिजेक्ट करा सकता है। नॉर्मल रहना है, ना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना है ना कम कॉन्फिडेंस दिखाना है, बराबर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बुलिंग, बुलिंग का मतलब है कई कैंडिडेट होते हैं जो दूसरों के ऊपर दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दादागिरी दिखाऊंगा तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। लीडर का मतलब दादागिरी नहीं होता, लीडरशिप होती मोटिवेशन से, दूसरों को जो है मोटिवेट करने के। वो जो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है बिना चिल्लाए हुए, वो लीडर है। ये नहीं है कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो, लोगों को डराना शुरू कर दो, लोगों को डांटना शुरू कर दो और फिर बोलो जी मैं लीडर हूं, वो लीडर नहीं होता। तो कई कैंडिडेट, खासतौर पर वो कैंडिडेट जो दोबारा या तिबारा SSB के लिए जाते हैं, वो ये चीज दिखाते हैं कि मेरे को सब आता है, मैं तो पहले भी SSB आ चुका हूं, मुझे सब आता है, तो वो फिर ज्यादा बुलिंग करनी शुरू करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज इफ यू फॉरगेट टू स्माइल, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, टेंशन में, नर्वसनेस में, बुरे हालात में, तो आप जो है सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ऑफिसर का काम है हर समय चीयरफुल रहना, हर समय खुश रहना, क्योंकि हालात आर्म फोर्स में ऐसे आते हैं जब हालात ठीक नहीं होते, उस समय अगर आप चेयरफुल नहीं रहेंगे, मुस्कुराते नहीं रहेंगे, तो आपके साथ जो आदमी है वो आपसे पहले डाउन हो जाएंगे।
तो दीज वर सम ऑफ द क्वालिटीज, सम ऑफ द रीजंस व्हाई कैंडिडेट फेल इन एसएसबी। नाउ अब हम देखेंगे इन वजह से तो फेल होते हैं, अब क्या वजह है जिससे हम पास हो जाएंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हाउ टू टेक केयर ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, क्या चीज करनी है मुझे जिससे मैं एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊं। नंबर वन, गो प्रिपेयर्ड, तैयारी करके जाना है। लड़ाई में जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, अगर लड़ाई में बिना तैयारी के जाएंगे तो हार जाएंगे। और तैयारी क्या है वो मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअली आपने क्या करना है और क्लास में क्या करना है। क्लास में मैं कराऊंगा, इंडिविजुअली आपने करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, फॉर जीटीओ टेस्ट एंड फॉर द इंटरव्यू। फिजिकल फिटनेस, अफेयर, जनरल नॉलेज, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें आपने अपने आप करनी है। और ये आप और हम मिलके इस काम को पूरा करेंगे ताकि जब आप एसएसबी के जाएं तो यू बी फुली प्रिपेयर्ड। नंबर टू, डोंट बी रोबो ऑफ कोचिंग। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं और मैं ध्यान रखूंगा कि आपको मैं बातें इस ढंग से बताऊं कि आप उनको कॉपी ना करें। मैं नहीं चाहता रोबोट की तरह उसके जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर कर दी वो वही काम करे। आप भी एसएसबी में जो मैंने बता दिया आप वैसे ही करें, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आंसर आपके होंगे। लोग क्या करते हैं कोचिंग में जो सिखाया जाता है वर्बेटिम वैसे के वैसे वहां पे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी उभरती नहीं है और कोचिंग सेंटर वालों की पर्सनैलिटी आती है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट। सो डोंट बी रोबोट ऑफ कोचिंग। नंबर थ्री, टेक केयर ऑफ योर ड्रेस। दैट मींस चाहे वो एसएसबी हो चाहे मेरी क्लास हो, आपकी ड्रेस एक ऑफिसर की ड्रेस होनी चाहिए। जब आप एसएसबी में जाएंगे, एसएसबी का जब कॉल लेटर आएगा उसके अंदर पूरी ड्रेसेस लिखी होंगी कि आपको किस दिन क्या पहनना है, जीटीओ टास्क में आपको क्या पहनना है, इंटरव्यू के दौरान आपको क्या पहनना है, कॉन्फ्रेंस के लिए क्या पहनना है, वो सारी की सारी चीजें आप लेके जाएंगे और जिस टाइम जो चीज पहननी है वो पहनेंगे। ध्यान में रखना है जूते हमेशा साफ होने चाहिए, आपके पास व्हाइट रंग का रुमाल होना चाहिए, आपका हेयर कट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी ग्रूमिंग नखून ठीक होने चाहिए, कानों में कुछ नहीं पहनना है। तो ये चीजें आपको ड्रेस से लगना चाहिए कि ऑफिसर है, बिना सेलेक्ट हुए ही आपको लोगों को वहां पे लगना चाहिए कि ये तो पहले से ही ऑफिसर बना हुआ है। बिकॉज जिंदगी में जो आप बनना चाहते हो उसकी तरह बिहेव करना सीखना शुरू करना पड़ेगा। जब आप ऑफिसर की तरह बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है वो आपकी उभर के आ जाएंगी। So you must take care of your dress. Next is follow the rule in all task. जितने भी आपको वहां पे टास्क दिए जाएंगे उसके रूल होंगे। अगर साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें टाइम होगा कि इतने टाइम में आपने स्टोरी लिखनी है, इतने टाइम में आपने स्टोरी बयान करनी है, इतने टाइम में आपने सेंटेंसेस लिख वैट करना है, इतने में एसआरटी करनी है। जीटीओ के जो टास्क है उनमें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वो आपने करना है। तो हर चीज टाइम बाउंड है और रूल के मुताबिक है। तो हर चीज रूल से होगी, हर चीज टाइम से होगी। डिसिप्लिन नंबर वन होगा। फौज जो है डिसिप्लिन से चलती है और डिसिप्लिन का मतलब है जो चीज सही है वो होनी चाहिए, जो चीज होनी चाहिए वो ही होनी चाहिए, कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइटिंग अप मग्ड अप रिस्पॉन्सेज। मग्ड अप का मतलब रटे हुए आंसर। एसएसबी में आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, एसएसबी के लिए आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, घोटा नहीं मारना है, रटना नहीं है। डोंट कॉन्ट्रडिक्ट योर रिस्पॉन्सेज। दैट मीन्स जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी बॉडी हरकत कर रही है और जो आप बोल रहे हैं वो दोनों
एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं है कि आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी कुछ कह रही है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपनी तरफ से सच बोलने की, अपनी तरफ से आप झूठ बोल रहे हैं ये दिखा के कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन आपकी बॉडी धोखा दे जाती है आपको। आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं आप सच बोल रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। और ये जब मैं बॉडी लैंग्वेज के आपके ऊपर क्लास लूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे पता लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कैसे पता लगता है कि आपका आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है आपकी बॉडी, क्योंकि हम अगर कुछ भी ना बोले तो भी हमारी बॉडी बोलती है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मंत्रा वचना कर्मा, जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, वो तीनों के तीनों चीजें आपकी पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी को दर्शाना चाहिए। ये नहीं कि बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, देन चांसेस आर यू विल गेट फेल। सो मंत्र, मन आपका मनसा वचना और कर्मा, ये सारी चीजें मिक्स ठीक होनी चाहिए। रूमर, कोई भी अफवाह फैलाना, आप जाएंगे वहां पे अलग अलग कैंडिडेट कुछ अफवाह फैलाएंगे कि जब आप बाहर घूमने जाएंगे तो आपको वहां भी शहर में भी आपको देखेंगे लोग, रिक्शा वाला जो होगा वो भी आपकी रिपोर्ट देगा, ये सब अफवाह है। एक बार आप SSB से बाहर निकल गए फिर कोई आपको एसेस नहीं करता। किसी भी अफवाह के ऊपर विश्वास मत करो और ना अफवाह फैलाओ और ना अफवाह के ऊपर विश्वास करो। नेक्स्ट है डोंट गेट योरसेल्फ हर्ट इन GTO टास्क। जोश में होश नहीं खोना है। GTO टास्क, कई टास्क ऐसे होंगे जिसमें चोट लगने के चांसेस हैं, उसमें ये नहीं है कि मैं जोश दिखाऊंगा और जोश ऐसा दिखाओ कि चोट लग जाए और फिर आपका SSB वहीं पे खत्म हो जाए। चोट नहीं खानी है, जोश दिखाना है, लेकिन बेवकूफी वाला जोश नहीं दिखाना। एंड नेक्स्ट इज रिमेन एंथुसियास्टिक, हमेशा जोश, पॉजिटिव एनर्जी और खुश मिजाज। SSB के दौरान काफी फिजिकल एक्टिविटी होगी, आप काफी थक जाएंगे, लेकिन थकने के बावजूद भी आपका जोश, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी एनर्जी और आपका खुश मिजाज हमेशा रहना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल गिव ए पॉजिटिव एनर्जी टू एवरीवन। जब आदमी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देता है तो सबको पता लग जाता है कि इस आदमी के अंदर कोई करिश्मा है। तो यू मस्ट शो दैट करिश्मा। नेक्स्ट, मैंने पहले भी कवर किया, डोंट बी एक्स्ट्रा फ्रेंडली इन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर के साथ दोस्त बनने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ रिटर्न वर्क। रिटर्न जो होगा वर्क सिर्फ पहले दिन साइकोलॉजी टेस्ट में होता है, तो उसके अंदर जो भी लिखते हो वो ऐसा लिखना है जो दूसरा पढ़ सके उसको। कई दफे टाइम की कमी की वजह से काटा पीटी करके क्वेश्चन को जो है आंसर ठीक नहीं लिखते, या लिखते तो पूरा नहीं लिखते। तो योर क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी गुड रिटर्न वर्क। जहां भी लिखने का काम है वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आराम से धीरे धीरे, क्यों आराम से लिखेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। राइट इट फास्ट बट राइट इट लेजिबल। लेजिबल का मतलब है मैं अगर आप लिख रहे तो मैं उसको पढ़ सकूं और उसको पूरा कर सकूं। अगर आपको स्टोरी लिखनी है और आपको स्टोरी लिखने के लिए 3 मिनट या 4 मिनट दिए गए हैं, तो ये नहीं कि मैं स्टोरी जल्दी लिख दूं, शॉर्टकट कर लूं और उससे जो है जल्दी से खत्म कर दूं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज क्वालिटी ऑफ वर्क। सेंटेंस लिखना है वर्ड उसमें एसोसिएशन टेस्ट में, तो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, ये नहीं कि 2 वर्ड का सेंटेंस लिख दिया। तो क्वालिटी ऑफ रिटन वर्क शुड ऑल्सो बी वेरी गुड।
नेक्स्ट इज बी फ्रेंडली, मैंने ऊपर लिखा है तो वहां लिखा था डोंट बी एक्स्ट्रा फ्रेंडली इन इंटरव्यू, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं होना है, लेकिन फ्रेंडली होना है आपने अपने साथ के जो आपके कैंडिडेट है उनके साथ फ्रेंडली होना है, क्योंकि अगर उनके साथ आप फ्रेंडली होगे तो आपको ही फायदा होगा, उनको ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप ग्रुप टास्क करेंगे और सबको मिलके काम करना है तो उस समय आपस में दोस्ती काम आती है। तो जो बाकी कैंडिडेट है उनके साथ फ्रेंडली होना है, और फ्रेंडली उनके साथ भी नहीं होना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और दोस्ती भी रखनी है। नेक्स्ट इज ओपन विद योर ग्रुप बट टू एन एक्सटेंट, अपने दोस्तों में खुल के रहना है लेकिन एक लिमिट में, ये नहीं कि वहां पे इतना खुल जाओगे आपस में बदतमीजी करना शुरू कर, दैट इज नॉट द एम। रिपीटर, जो एसएसबी में रिपीट करते हैं, अगर आप रिपीटर हो या आपके बैच में कोई रिपीटर आ जाता है तो बिहेव ठीक करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे को तो सब आता है मैं तो पहले कर चुका हूं इसलिए मैं दादा हूं, कोई दादागिरी नहीं करनी। मैस फूड, आपको फाइव स्टार खाना नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है जैसा आपके घर में खाना बनता है आपकी मदर खाना बनाती है वैसा भी ना मिले, लेकिन हम वहां पे खाना खाने नहीं गए हैं, हम वहां किसी एक मकसद से गए हैं और हमारा मकसद है सेलेक्ट होना। तो कोई अगर पूछता भी आपसे भी खाना कैसा है तो हमेशा कहना सर खाना बहुत अच्छा है, कभी खाने की बुराई नहीं करनी, यहाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए, खाने को एक प्रसाद समझना चाहिए। सो डोंट गिव सजेशन के कि खाना अच्छा नहीं है, खाना ठंडा था, नमक कम है, मिर्चे ज्यादा, डोंट डू दैट। वहां पे आपने परमानेंट नहीं रहना, वहां पे थोड़े दिन रहना है। अवॉइड पिकिंग अप फाइट्स, किसी से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि झगड़ा चाहे गलती किसी की भी हो, जो झगड़ा करेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ज्यादा झगड़ा करोगे तो वो आपकी रिपोर्ट में लिख दें, आपका कभी भी फिर आप एसएसबी में जा नहीं पाएंगे, तो डोंट फाइट। नेक्स्ट, ज्यादातर जो ये कार्रवाई होती है ये दोपहर तक होती है, लंच तक होती है, उसके बाद बहुत कम होता है जो दोपहर के बाद भी आपको बुलाया जाएगा। आफ्टरनून आर जनरली फ्री, एंड फ्री मीन्स यू कैन गो आउट, अगर आप किसी शहर में गए हैं जो पहले कभी नहीं गए हैं, आप घूमना चाहते हैं तो यू कैन गो आउट इन ग्रुप, बट गो आउट इन ग्रुप। और जो टाइम दिया जाता है वापस आने का, उससे पहले वापस आना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि अगर लेट हो जाओगे तो आपको घुसने नहीं देगा, और घुसोगे नहीं तो आपका एसएसबी खत्म। बी पंक्चुअल, जहां पे पहुंचना है टाइम पे पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है, टाइम के बाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड लास्ट इज मेंटेन द डेकोरम, डेकोरम का मतलब है ऑफिसर हो, ऑफिसर के लिए सिलेक्शन के लिए जा रहे हो तो बिहेवियर भी ऑफिसर का होना चाहिए, और ऑफिसर का बिहेवियर ये होता है कि ऑफिसर जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, यू आर ए जेंटलमैन फर्स्ट ऑफिसर लेटर हो, तो बिहेव लाइक ए जेंटलमैन, बिहेव लाइक ए लेडी, अगर लड़की है तो शी शुड बिहेव लाइक ए लेडी। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये अगर आपने नोट नहीं करी है तो नोट कर लें, और इनको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो आज आपको मैंने बताया कि why SSB is called the toughest interview, उसमें मैंने आपको चार चीजें बताई, बेस्ट फिट राइट फिट, उसके बाद तीन लोग चेक करेंगे, तीसरा मनसा कर्मा वचना, और चौथा आपको रिजल्ट के टाइम ये नहीं बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट किए हुए रिजेक्ट किए हुए। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि क्या कारण है जिसमें कैंडिडेट एसएसबी में फेल हो जाते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप एसएसबी में सेलेक्ट हो जाए। तो यहां पर यह क्लास खत्म होती है, अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो हम अभी डाउट क्लियर करेंगे। सर, कैन यू एक्सप्लेन द पॉइंट रिपीटर अगेन? ओके, रिपीटर का मतलब ये है कि अगर आप एसएसबी में पहले गए हुए हैं और सेलेक्ट नहीं हुए तो आप दोबारा एसएसबी में जा रहे हैं, तो वो रिपीट कर रहे हैं। तो जो रिपीटर हो, अगर आप में से कोई रिपीटर है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे जाके आपने ये नहीं दिखाना कि मेरे को तो सब आता है और मैं सबका लीडर हूं,
और आपने ठीक आपका बिहेवियर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। जाकर ये देखा गया कि रिपीटर जो है अपने आप को दादागिरी दिखाते हैं, लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। क्लियर कार्तिक? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस पायल कैन यू हियर मी? सर। नो सुन, सॉरी। पायल ओके, पायल कांट हियर मी। नाउ वी विल हैव इंट्रोडक्शन एंड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन कौन करेगा, राजवीर और कार्तिक? अंतिम नो, राजवीर विल डू। राजवीर, ओके आई विल गिव यू टू टू मिनट्स, 2 मिनट आप सोचो, तब तक कार्तिक आप भी अपना सोचो और उसके बाद इंट्रोडक्शन दो, और मैं टाइम नोट करूंगा। ओके जब मैं बोलूंगा तब स्टार्ट करना है। सर। ओके राजवीर, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। यस आर यू रेडी? आर यू रेडी? सर। ओके स्टार्ट। 1 मिनट रुके, 1 मिनट। ओके। ओके स्टार्ट। हेलो सर, आई एम राजवीर सिंह फ्रॉम मोगसा चंदौली। माय फादर नेम इज मिस्टर मदनमोहन सिंह, ही इज अ गुड गुड बिजनेसमैन। माय एंड माय मदर नेम इज मिसेस पुष्पा सिंह, सी इज अ टीचर एंड वी आर फोर सिबलिंग्स। करेंटली आई एम परसुइंग माय क्लास 12th फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। आई थिंक आई एम फाइन पर्सन विथ सम गुड क्वालिटीज एंड मेनी 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 वीकनेसेस। आई मे नॉट अ गुड आई मे नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, बट आई एम डायनेमिक पर्सन विच आई कैन पुट हार्ड वर्क इन एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट। सर हेजिटेशन होता है बहुत सर। कोई बात नहीं, नो इश्यू। अभी मैं आपके पॉइंट दूंगा, पहले मैं कार्तिक का भी सुन लूं। कार्तिक, आर यू रेडी? यस सर। ओके स्टार्ट। हेलो सर, आई एम कार्तिक तोमर एंड आई बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। रिसेंटली आई पास 12th क्लास फ्रॉम सली स्कूल विद एन एवरेज मार्क्स। माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ एंड ए सिस्टर एल्डर देन मी, सी इज इन BBA फाइनल ईयर एंड एट प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू जॉइन इन आर्म फोर्सेज। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज एंड रीडिंग रीडिंग बुक्स, कोर्स रिलेटेबल बुक्स, दैट्स इट। Payal, can you hear me? Payal? Okay. सबसे पहले राजवीर से। यस सर। नाउ राजवीर,
कल मैंने कार्तिक से जब मैंने इंट्रोडक्शन की थी तो मैंने उससे ये कहा था, और मैं शायद तुम सुना होगा कि हम एक प्रोडक्ट है। हम मान के चलो हम एक मोबाइल हैं, हमको ये मोबाइल बेचना है। तुम्हारे पास मोबाइल राजवीर? मोबाइल सही है बस। अच्छा ओके, समझ लो तुम्हारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, और तुम मोबाइल की तुम्हारी दुकान है, और मैं तुम्हारी दुकान में आता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरे को एक मोबाइल दिखाओ। आपके पास कई ब्रांड के मोबाइल हैं और आप जो है बेचना चाहते हैं आईफोन, तो आप कैसे बेचोगे उसको? आप बेच बताओ। सर आईफोन लेगा सर, हम बोलेंगे इसका स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ा है सर, इसमें 8 GB रैम एंड 128 GB इंटरनल मेमोरी है, एंड दे आर मेनी क्वालिटी इन आईफोन, दे आर गुड कैमरा क्वालिटी एंड मेनी अदर फंक्शन इन देयर मोबाइल अच्छा, और सर। इट इज फास्टर देन अदर मोबाइल्स इन द मार्केट एंड एंड मोर स्मूथर। कार्तिक तुम मोबाइल बेचो। सर अगर मैं आईफोन बेचना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि दिस ब्रांड इज ओसम देन अदर्स, ये ब्रांड मार्केट में सबसे अच्छा सबसे स्मूथली परफॉर्म करेगा, और इसका कैमरे जो है वो आज तक कोई इसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। ये मोबाइल वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मोबाइल है, और ये मोबाइल ये मोबाइल सबसे अलग है, सबसे गुड है। इसका खुद का एक ब्रांड है, ये ब्रांड इसकी पहचान है, और ये फोन सबसे अच्छा है, लुकिंग में सबसे अच्छा है। इसमें इसने कभी किसी अदर ब्रांड की कॉपी नहीं की, और ये फोन इस मिड रेंज में सबसे अच्छा होगा। दोनों ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन यही चीज जब तो अपने बारे में बताती हो तो क्यों नहीं बताती हो? बिकॉज सर हम अपने बारे में ज्यादा नहीं जान पाते, बता नहीं पाते हम सर अपने बारे में ज्यादातर। ये ओके, कोई बात नहीं, नो इश्यू, मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज तो जो भी इंट्रोडक्शन देनी है वो लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि मेरा नाम क्या है, उसके बाद आप बताएंगे कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। पहले सुन लो कार्तिक, सुन लो, सिंपल चीज है, कोई इसमें कोई ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं, मैं रोजाना कराऊंगा, रोजाना बताऊंगा। सबसे पहले आपने बताया कि आई एम राजवीर सिंह, आई बिलोंग टू सो एंड सो प्लेस, दैट प्लेस इज फेमस फॉर दिस, माई फादर इज ए बिजनेसमैन, माई मदर इज ए हाउस वाइफ। बिकॉज माई फादर इज ए बिजनेस मैन, ही हैज सम गुड क्वालिटीज विच आई हैव इम्बाइब दोज गुड क्वालिटीज। माई मदर इज वेरी डेडिकेटेड, फ्रॉम दैट आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग डेडिकेटेड। आई हैव डन माई 12th फ्रॉम सो एंड सो स्कूल, दैट स्कूल इज वेरी गुड इन सो एंड सो, जिस चीज में भी वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आई हैव डन जो भी आपके अंदर कोई कॉलेज में स्कूल में कोई टीम में हो, कोई डिबेट किया हो, कोई ड्रामा किया हो, जो भी आपने अचीवमेंट आपकी हैं वो आपने बतानी है, आप क्या करते हैं। उसके बाद आपकी हॉबीज क्या है, गेम कौन सी खेलते हो, ठीक है, और आपके अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं और आपके अंदर क्या वीकनेस है। तो सबसे पहले नाम बताओ, उसके बाद ये बताओ कि कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली में कौन कौन है, उन फैमिली के मेंबरों में से आपने कुछ चीज सीखी है अपने फैमिली मेंबर से तो वो बताओ। उसके बाद बताओ किस स्कूल में पढ़े हो, किस कॉलेज में पढ़े हो, उस स्कूल और कॉलेज के क्या अच्छे पॉइंट हैं। उसके बाद बताओ कि मैं ये गेम्स खेलता हूँ, मैं इसमें टीम कैप्टन था या मैं प्लेयर था, मेरी हॉबीज ये हैं, मेरे अंदर ये अच्छी क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर ये वीकनेस हैं, और
इस तरीके से आपने बताना। मोबाइल बेचते हैं तो उसमें सबसे पहले बताते हैं फीचर, इसके अंदर फीचर क्या है, कितने जीबी है, कैमरे कितने हैं, मेमोरी क्या है, ये फिर बताते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है कि भाई ये आप जो है कैमरा करोगे इतने पिक्सल का है, इतनी दूर तक खींचेगा, तीन कैमरे हैं, दो कैमरे हैं, सेल्फी अच्छी लेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि ये जो एडवांटेज है उससे एक ग्राहक को क्या फायदा है, मेरे को तो कैमरा यूज नहीं करना है, अगर कैमरा है तो मेरे लिए कैमरा यूज करने का फायदा क्या है, अगर मेमोरी इतनी है तो उसको मेरे को फायदा क्या है, तो फायदे फिर फायदे बताने। इसी तरीके से आपने पहले चीजें बतानी है कि आप क्या हो, नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, फिर आपके क्या क्या आपको फैमिली से क्या क्या एडवांटेज मिले हैं और उन एडवांटेज की वजह से आप क्या क्या चीजें आपके अंदर अच्छी आई हैं, जैसे डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, वो चीजें, जैसे अभी आपने बताया कि आप आई एम ए वेरी डायनेमिक पर्सन, तो डायनेमिक ये तो ठीक है, आई एम ए डायनेमिक पर्सनैलिटी, लेकिन डायनेमिक पर्सनैलिटी का मुझे कैसे पता लगे कि आप डायनेमिक हो, निरंतरता रहता है सर कोई पढ़ाई में सर इसमें। हाँ तो उसमें फिर बताओ ना फिर कि डायनेमिक, आप ये बोलने से कि मैं डायनेमिक हूं मैं नहीं मान लूंगा कि आप डायनेमिक हो। अगर आपने बताना है सर आई एम ए डायनेमिक पर्सन, आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, आई एम गुड इन दिस, आई एम गुड इन दिस, आई प्ले डू, आई डू समथिंग फ्रॉम माई फैमिली, आई डू समथिंग फ्रॉम माई स्कूल, कुछ डायनेमिक का कुछ बताओ ना, क्या डायनेमिक हो कैसे, हर चीज में सर एग्जाम्पल फिर सर से कुछ भी अपने आप में बताया उसका एग्जाम्पल भी सर ऑफिस में सर हर चीज एग्जाम्पल चीज का एग्जाम्पल दे रहा है। अब मैं कहूँ आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी ऑनेस्ट, उसकी कोई मतलब नहीं, उसका जैसे ऑनेस्टी से गया उसका भी एग्जाम्पल सर ये सब पूरा ना एग्जाम्पल के साथ बताना है कि मैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग बिकॉज इन माय 10th क्लास, इन माय 12th क्लास, इन माय 8th क्लास आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई गॉट सिक, बट आई वर्क्ड हार्ड एंड आई गॉट सो मेनी मार्क्स। यस सर, हर क्वालिटी के साथ कोई ना कोई आपकी कहानी जुड़ी होनी चाहिए और आपकी कहानी सच्ची होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए, समझ गए। और ये मैं आपको आगे चल के, अभी तो आपने ये बोला है उतना तो ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता करना है कि मैं कौन हूं। कोई क्लास आएगी पर्सनैलिटी मैपिंग की, पता नहीं कब है वो जिस दिन वो क्लास होगी आपके, उसके बाद आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अब जो मैं आप और मैं आपकी इंट्रोडक्शन रोज कराऊंगा ताकि आपके अंदर वो जो झिझक, जैसे राजवीर बोल रहा था सर, वो हेजिटेशन है, हेजिटेशन खत्म हो। सर दोस्तों के सामने बोल लेते हैं, पर आप सामने पहले बार बोलने से थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, मेरे से अब आप जब जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आप मेरे सामने भी खुल के बोलेंगे, और जैसे जैसे हमारा कोर्स चलता रहेगा आप देखेंगे कि मेरे साथ नहीं आप किसी के सामने भी खुल के बोले। मैं आपको बताऊंगा कि ये हेजिटेशन को भी कैसे दूर करना है, ये जो हमारे अंदर डर होता है बोलने का उसको भी कैसे दूर करना है, ठीक है। yes. ओके, और क्या पॉइंट था सर, जिससे सर इंट्रोडक्शन सर अभी आपने सिर्फ अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन बतानी है कि अगर आप किसी आदमी से मिलते हो और जो आपसे पूछता है भाई चलो राजवीर अपने बारे में बताओ, तो आप अपने बारे में बताओ, ठीक है। अभी सिर्फ आप यही प्रैक्टिस करो ताकि झिझक निकल जाए, डोंट वरी आगे क्या हो रहे क्या नहीं वो करते रहो। नंबर दूसरा, कल से आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है, जियोपॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पे नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, किसी भी चीज के ऊपर बोलो। शुरू में आप किसी भी चीज पे बोलोगे, उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक दूंगा। तो आप रोजाना जो आपका होमवर्क होगा वो एक लेक्चर बोलना है आपने 3 मिनट के लिए, सब्जेक्ट आप चूज करो
लेकिन बोलोगे 3 मिनट। सर तीन हम मिनट बोलो। जियो पॉलिटिक्स में बोल सकते हैं ना, सर जियो पॉलिटिक्स में। अच्छा तो जियो पॉलिटिक्स में बोलो, जिसमें बोलो, मैं तो कह रहा हूँ किसी पे भी बोलो, ठीक सर, लेकिन रोज आना, सब्जेक्ट अलग होगा और ठीक सर, 3 मिनट तक बोलना है ये सर, और इंग्लिश में बोलना है ठीक और देख के नहीं बोलना। देखने सर, अपने से बोलेंगे, हाँ, मेरी मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलना है, ठीक है? तो पहले ओके मैं आपकी मर्जी के सब्जेक्ट से बुलवाऊंगा, फिर जब मेरे को लगेगा कि अभी आप बोलने में ठीक हो, फिर मैं आपको रोज आना एक सब्जेक्ट दूंगा, आप उसके ऊपर गूगल पे जाओ, अखबार से देखो, जो भी देखो उसके आप रोज आना पूर्व, ये आपको रोज आना का होमवर्क होगा। ठीक और फिर मैं आपको आगे चल के टॉपिक दूंगा ग्रुप डिस्कशन का, अगर आप दो ही हो तो दोनों ग्रुप डिस्कशन करोगे और बीच में मैं भी अपने पॉइंट दूंगा, और क्लास रोजाना अटेंड करोगे, सर, ओके? ओके सर, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं तो ट्रेन मत बंद चलाओ, स्पीड मत दो, आप बहुत तेज तेज बोलते हो जिसकी वजह से समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। मैं बोलता हूं, मेरी बात समझ में आती है आपको? आती है? तो तुम जित बोलते हो तो मेरी समझ में क्यों नहीं आती? सर क्योंकि तुम सोचते हो कि जल्दी से जल्दी इंट्रोडक्शन देके काम खत्म करो, तो बड़ा डेलिबरेटली बोलना है। अभी राजवीर सिंह, दोबारा बोलो अपने इंट्रोडक्शन और आराम से तसल्ली से बोलो, सत्य बोल है? बोले सर, हाँ बोलो, जो आपने पहले बोला था वही बोलो। सर। हेलो सर, आई एम राजवीर सिंह फ्रॉम मुगलसराय चंदौली। माय फादर नेम इज मदन मोहन सिंह, ही इज अ गुड गुड बिजनेसमैन, एंड माय मदर नेम इज पुष्पा, मिसेस पुष्पा सिंह, शी इज अ टीचर। एक मिनट, आपने बोला माय नेम इज राजवीर सिंह, आई बिलोंग टू, कहाँ पे, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बिलोंग टू मुगलसराय चंदौली सर, बनारस के बगल में सर। तो मेरे को आपने इतनी तेजी से बोला, मेरे को समझ में नहीं आता, आप दोबारा बोलो, आई बिलोंग टू आई बिलोंग टू मुगलसराय चंदौली, यस मुगल सराय, सर, तो आप ये बोलो ना, माय नेम इज राजवीर सिंह, आई हाँ, बिलोंग टू मुगल सराय चंदोली। आई एम राजवीर सिंह, आई बिलोंग टू मुगलसराय चंदौली, मुगल सराय इतनी तेजी से क्यों बोलते हैं? मुगल सराय, मुगलसराय हाँ, चंदोली, इट इज नियर चंदौली, बनारस, और ये बोलो बनारस से कितनी दूर है? हाँ, इट इज अबाउट 16 किलोमीटर, कितने? 16, यस, 16 16, 16, तो बोलो आई बिलोंग टू मुगल सराय चंदोली विच इज 16 किलोमीटर फ्रॉम बनारस। बनारस इज फेमस फॉर विश्वनाथ टेम्पल, और जो भी चीजें बनारस की मशहूर है वो चीजें आप बताओ। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ओके सर, ठीक है? ओके कार्तिक, तुम बोलो जरा दोबारा। हेलो सर, आई एम कार्तिक तोमर एंड आई बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश एंड आई आई बिलोंग रिसेंटली टू, फॉर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश बोलने में शर्म किस बात की है? आई ऑल्सो बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, तुम वो राजवीर बिलोंग टू उत्तर प्रदेश वही सर, बोलो, आई एम हाँ जी, कार्तिक तोमर, आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से बिलोंग है? सर बागपत, तो बागपत कोई बुरी बात है? नो सर, हाँ तो बोलो, आई एम कार्तिक तोमर, आई बिलोंग टू बागपत इन उत्तर प्रदेश। बागपत इज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विच इज अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम
न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल। आई एम कार्तिक तोमर एंड आई बिलोंग्स टू बागपत इन उत्तर प्रदेश। इतने आप बिल्कुल ही धीरे हो गए। ओके सर। ओके चलो खैर एनीवे कल करेंगे, और कल स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन होगी और लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद लेक्चर एट होगा। ओके सर। ओके एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।